व्हाट्सअप गाइस, फिर से वापस आ चुका हूँ फिलेजरी स्पोर्ट्स के शोडाउन के डे नंबर 3 के एक टॉप मोमेंट एंड एक टीम की गलती को लेकर के। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर पूरा बेस होने वाला है। तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो हम लोग बहुत ज्यादा पास हैं 12,000 सब्सक्राइबर्स के। तो ज्यादा वक्त अदा करते हुए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। अब तीन टीमें बची हुई है, ठीक है, गॉड लाइक के प्लेयर्स। ऊपर आपको जो 12 नंबर की टीम दिख रही है वो आपके ओजी, एंड ये अकेला जो प्लेयर बचा हुआ है ये आई थिंक मोस्टली ये अच्छा ठीक है, नाम मुझे को याद नहीं आ रहा अभी। तो टीम नंबर 5 के प्लेयर्स इज एन एग्जांपल, टीम नंबर 5 ही मान लेते, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एडवांटेज किसके पास है, तो आप बोलोगे कि ये जो ऊपर वाली टीम होंगी, ये जो इस ये वाले रिच के ऊपर वाले जो टीम्स होंगी उनके पास एडवांटेज है, करेक्ट। तो इसका मतलब बहुत क्लियरली ओरैंगोटैंग के पास एडवांटेज जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ सिचुएशन में एक्जैक्टली हुआ क्या एंड किस टीम की तरफ से गलती हुई और किस टीम ने इस चीज़ का फायदा उठाया और किस टीम ने इस चीज़ को अपने फेवर में कन्वर्ट किया, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, एक लर्नर ये ओजी के प्लेयर्स के साथ खेल रहे थे। यहाँ पे आप देख लीजिए ओजी के प्लेयर्स के पास सबसे बड़ा रिज आ चुका है, तनेजा यहाँ पे आ चुके हैं। निवेश को देखिए, निवेश का ये एंगल देखना बहुत ज़रूरी है, निवेश का ये एंगल काफ़ी ज़रूरी है आप लोगों को दिखाना। आप देखिए निवेश ऑलरेडी फ्लैंक पे निकल चुका है कि वो ये वाले रिज के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। निवेश को पता है कि अगर मैं नीचे ही रह जाऊंगा मेरी टीम के साथ तो मैं ऊपर वाले जो प्लेयर्स हैं उनसे फाइट नहीं ले पाऊंगा, एडवांटेज उनके पास ही रह जाएगा। अब यहाँ से गेम चेंज होना शुरू होता है। अब एक लर्नर देखिए, तनेजा को देखिए, सब लोग यहाँ पे नीचे देख रहे हैं। वो जो ऊपर वाला प्लेयर था टीम नंबर 5 का, वो टीम इनसेन के शिवम थे, वो याद आ गया। अब ये सिचुएशन देखिए, एक लर्नर नीचे आ चुके हैं, कोई भी यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नहीं देख रहा है। ये होता है एक प्रॉब्लम जो होता है अवेयरनेस। ये अवेयरनेस रहना बहुत जरूरी है कि आपने राइट हैंड साइड क्लियर किया है कि नहीं, क्योंकि आपके पास नंबर डिसएडवांटेज है ऑफ कोर्स। तो आपको ज्यादा एंगल्स कवर अप करने हैं तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते हो। लर्नर यहाँ पे कूद जाते हैं, तनेजा डिफरेंट एंगल पे फाइट आउट कर रहे हैं, निवेश का एंगल किसी को पता ही नहीं है, निवेश का एंगल पता नहीं है, तनेजा यहाँ पे नॉक हो गए, शिवम ने भी शॉट कर दिया, यहाँ पे शॉट मार दिया है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे इतना बड़ा डिसएडवांटेज आने ही वाला है ओजी के प्लेयर्स को। निवेश ने इमीडिएटली नेट डाला, तब तक यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं डैमेजर, गिनोत्रा भी ऊपर आ चुके हैं, ऑफकोर्स दोनों के दोनों प्लेयर्स यहाँ पे धाराशाही किए जा चुके हैं। इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम था कि यहाँ पे ओजी के प्लेयर्स के पास एडवांटेज था एंड उन्होंने अपना सेल्फ अवेयरनेस का इस्तेमाल नहीं किया, राइट हैंड साइड क्लियर नहीं किया, ऊपर वाला टावर क्लियर नहीं किया जहाँ पे शिवम बैठा हुआ था। अब दूसरी तरफ जब दो प्लेयर्स नॉक हो जाते हैं तो गॉडलाइक के प्लेयर्स सही चीज़ क्या किया कि एडवांटेज लिया, सीधा पुश, सीधा यहाँ पे ग्रैपलिंग गन यूज़ करके एडवांटेज क्रिएट कर दिया एंड इस चीज़ का फायदा उठाया। एंड नो डाउट कि इस मैच में उन्होंने 19 स्किल के साथ बूया मारा है, नॉट अ मैटर ऑफ जोक, प्रो लॉबी है ऑफ कोर्स, ऐसे मजाक तो नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने 19 स्किल के साथ बूया कन्वर्ट किया है एंड ये छोटी छोटी चीज़ होती है जो आप लोगों को गेम में इस्तेमाल करना होता है एंड आप एक एक्सेप्शनल टीम बनते हो। एंड ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि वो एक्सेप्शनल और नॉर्मल टीम और एवरेज टीम बनने में आई थिंक आप एक बहुत बड़ा फासला रहता है, वो आपको कवर अप करना पड़ता है। नो मैटर व्हाट, देखिए ओजी लीड की टीम हमेशा हम जानते हैं कि कितना ब्रिलियंटली परफॉर्म करते हैं वो, बट इसमें चूके क्योंकि नंबर डिसएडवांटेज था एक तो, और एक तो अवेयरनेस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, राइट हैंड साइड क्लियर करना भूल गए। जहाँ पे निवेश ने बहुत अच्छा काम किया कि वो एक तो फ्लैंक पे गए, ये हो गया गॉडलाइक की टीम का दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट था कि जैसे दो प्लेयर नॉक हुए इमीडिएट पहले तो डैमेजर ऊपर आ गए, फिर आपके गिनोत्रा भी ऊपर चढ़ गए इमीडिएटली एंड शिवम तो अकेले थे, उनके लिए बहुत मुश्किल था इस मैच में कन्वर्ट कर पाना। और शिवम में कुछ चीज़ें कर सकते थे बट गॉड लाइक ये मैप पे तो अनस्टॉपेबल थे, 19 स्किल के साथ बूया निकाला है एंड आई थिंक कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था उनकी तरफ से। एंड आप लोगों ने अगर पूरा मैच देखा है तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एंड कुछ और अगर कल के दिन में मैं कवर अप कर सकता हूँ या फिर और आने वाले समय में जो भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, अगर आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स चाहिए जिसके ऊपर मैं एनालिसिस या फिर आप लोगों को चीज़ें बताऊँ, आप लोगों को हेल्प आउट करूँ, तो जरूर से मुझे कमेंट में बताना, मैं आप लोगों को हेल्प जरूर से करना चाहूँगा जितना मेरे से हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए गाइस, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।